नमस्ते, मेरा नाम रुचिका नेगी है और मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली हूँ और मैं एक डांसर हूँ। 5 राउंड के बाद हासिल की मंजिल अब दिखेंगी स्टार प्लस में। चुकोटिया अल्मोड़ा ग्राम पंचायत धनस्यारी निवासी रुचिका नेगी का चयन देश के नंबर 1 डांस शो डांस प्लस के लिए हो गया है। 5 राउंड के बाद वह टीवी शो तक पहुंची हैं। कुल चयनित 9 लोगों में से 8 महाराष्ट्र के हैं, जबकि रुचिका अकेले उत्तराखंड से हैं। उनके चयन से परिवार में खुशी का माहौल है। बेटी के सपनों के खातिर गांव छोड़ा मुंबई पहुंच गए पिता संजय नेगी। बेटी रुचिका को उनकी रुचि के अनुसार डांस की दुनिया के शिखर पर पहुंचाने के लिए पिता संजय नेगी ने एक तरह से अपना सारा सुख चैन समर्पित कर दिया है। हाँ, मेरे सामने समस्या ये आई। मैं गांव में छोटा सा बिजनेस करता था, मेरी दुकान थी, और जी बच्ची को यहाँ से लेके मुंबई या अपना चंडीगढ़ या कहीं हम दिल्ली अगर हम कहीं ले जाते हैं जी जी तो मेरे को सारा यहाँ, हाँ, मुझे मैं सारा यहाँ काम धंधा बंद करके मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि जी 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 यहाँ से चाहे, हाँ, मुंबई जाने का। तो आखिर सर, अब बच्ची है, बच्ची हमारी है, तो उसके टैलेंट के लिए जाना ही पड़ेगा। मैंने अपनी सारे यहाँ पे गाँव में दुकान बंद करा बिल्कुल और बिल्कुल फिर मैं मुंबई गया। मैं पहले अकेले गया मुंबई। वहां पे तुम्हें पता है रूम का कैसा है, तो जी जी वहां बिल्कुल पे जाके एक रूम लिया रेंट पे। हाँ, फिर बाद में मैं वापस आया। तो अगर मैं रुचिका को ले जाता तो अभी मैं जॉब जो करूँ, मैं इसका पढ़ाई जो देखूँ, मैं इसका डांस जो देखूँ, बिल्कुल सर मैं बिल्कुल। अपनी वाइफ और, हाँ, मैं उन सबको ही ले गया मुंबई। रुचिका द डांसिंग स्टार का आप पूरा इंटरव्यू UKFM चैनल पर देख सकते हैं। उसके कुछ पल हम आपको दिखाते हैं। करना अच्छा लगा मुझे। तब से पता चला कि मुझे डांस पर जाना चाहिए। जब कहीं पे भी, मतलब शादी में, कभी कोई फंक्शन में जब म्यूजिक बजता था तो मेरे हाथ पैर अपने आप नाचने लग जाते थे। मुझे तब बहुत अच्छा लगता था नाचने, डांस करने में। और फिर टीचर्स ने भी मुझे थोड़ा बताया कि हाँ, तुम डांस अच्छा करती हो, तुम्हें डांस पे जाना चाहिए। चलिए देखते हैं कि जब हमने रुचिका के पापा से पूछा कि उनको कब लगा कि रुचिका के अंडर डांसिंग टैलेंट है, तो उनका जवाब क्या था। जी, ये मुझे याद है कि जब ये 6 साल या 5 साल की थी तो हमारे चकुटिया में अष्टमी का मेला लगता है। हमारे चकुटिया में तो काफी अच्छा मेला है। तो इसमें इसका परफॉर्मेंस हुआ था, कोई ओल्ड सॉन्ग था, तो ओल्ड सॉन्ग पे इसने अच्छा वो किया, खूब मतलब वाहवाही हुई और इसको बहुत सारा इनाम भी मिला। इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेज जो परफॉर्मेंस था वो, तो वहां से मुझे लगा यार कि इसका डांस जो है इसमें मतलब एक्सप्रेशन और मतलब कोई डर नहीं स्टेज में उतनी पब्लिक के सामने परफॉर्म करना। हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती कि उतनी पब्लिक के सामने हम जाएं, लेकिन इसके वो मैंने देखा कि इसको अनुभव इतना था कि मतलब कि पब्लिक के सामने कोई झेक नहीं अपना एकदम। उन्होंने बच्चों के लिए अपने विचार किस तरह से प्रकट करे। और कुछ सीखने को मिलेगा कि हमारे पहाड़ में जो बच्चे हैं उनपे भी जो है बहुत हुनर है, बस बिल्कुल उनके हुनर को निखारने की जरूरत है। बिल्कुल सर बाकी बिल्कुल बच्चे मतलब हुनर बहुत है हमारे पहाड़ के अंदर, बस उसको आप निखारिए तो जी। बच्चा फिर एक दिन जाएगा ही ऊंचे लेवल तक जाएगा। हम सबको फिर से मौका मिला है उत्तराखंड की बेटी को आगे बढ़ाने का, ताकि वो उत्तराखंड का नाम रोशन कर सके। हमारी शुभकामनाएं रुचिका के साथ है, और आप भी रुचिका को मोटिवेट करिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रुचिका नेगी के सिलेक्शन के बाद उनके पिता संजय नेगी ने UKFM के माध्यम से आप सभी को संदेश दिया है। आप सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ UKFM फैमिली को, जिन्होंने आज यहाँ पे आने का मौका दिया है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बेटी रुचिका व उसकी टीम जो है डांस प्लस 6 में सेलेक्ट हो गए हैं, और बहुत जल्द ही उनका स्टार प्लस पे जो है टीवी शो आने वाला है। यह सब आपके आशीर्वाद और जो है प्यार का असर है जो कि हमारे बच्चे वहाँ तक पहुँच पाए, और हमें पूरे उत्तराखंड को और जो है हमें अपने बच्चों पर गर्व है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही आगे बेटी रुचिका पर जो है बना रहे।
और जो है धन्यवाद करता हूँ UKFM फैमिली का, जो कि ऐसे ही हमारे उत्तराखंड की प्रतिभाओं को सामने लेकर आते हैं। और उन्होंने पहले भी मेरा और बेटी रुचिका का इंटरव्यू किया था, तो जो काफ़ी अच्छा लगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।